एक तरफ सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है, पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण में छात्रों के भविष्य की चिंता करते नजर आते हैं। शिक्षा की अलग जलाने के लिए सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं तमाम समाजसेवी संस्थाएं अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती हैं। इन सबके बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आज हम आपको एक ऐसे आईटीआई कॉलेज से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसका भवन तो है लेकिन बदहाल है। हम बात कर रहे हैं बस्ती के हरैया कस्बे में चल रहे आईटीआई कॉलेज की। इस स्कूल के शौचालय गंदगी से भरे हुए हैं और जर्जर हालत में हैं। मशीनें धूल फाक रही हैं। कॉलेज में जहां देखो मकड़ियों का जाल फैला हुआ है। छात्रों को हर ट्रेड से पढ़ने के लिए सामान तो है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वह है पढ़ाने वाले टीचर। आलम यह है कि 6 माह पहले विद्युत विभाग ने कॉलेज की बिजली तक काट दी है। बिल के अभाव में लाइट यहाँ की काट दी गई है, इस वजह से जो है प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। अच्छा, क्यों? तो प्रैक्टिकल ना हो पाने के कारण हम लोग थोड़ी पढ़ा रहे हैं। सर ऐसा है, हमारे यहाँ कोई स्वीपर नहीं है, इसलिए एक को बंद किया गया है, एक ही जो है खोला गया है, क्योंकि सफाने वाले कोई है नहीं। ऊपर वाला चल रहा है, ऊपर का चल रहा है, ऊपर खोला गया है, ऊपर एक खुला है, एक नीचे खुला है। इतना ही नहीं, कॉलेज के कैंपस में खड़ी गाड़ी जो मैकेनिकल कोर्स को सीखने के काम में आती है, उसको कैद कर ताला जड़ दिया गया है, जिससे वह गाड़ी खड़ी खड़ी जंग खा रही है। इन सबको देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि बच्चों को भविष्य के साथ यह कैसा क्रूर मजाक हो रहा है। कहने को सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, पर जमीनी हकीकत आपके सामने है।